हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी मान्यता मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हो, आप सोच रहे होगे क्या है ये लोग यहाँ पे अपना घर बना के जाते हैं। तो यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं कि उनका घर बने, तो यहाँ पे घर जितना ऊंचा बनाते हैं तो उतने ऊंचे एक मतलब एक धारणाएं हैं, एक विश्वास है लोगों के अंदर, और होता भी है। हम दोनों आज जा रहे हैं खोली बाबा मोहन राम के मंदिर, क्यों? बिल्कुल। और रविंद्र? और अभी हम जा रहे हैं अपने ईस्टर्न पेरिफेरल पे है, पेरिफेरल पे अभी हम चढ़ चुके हैं और जा रहे हैं सीधा, डेढ़ घंटे में लगा देगा, कह रहा है भाई डेढ़ घंटे में गाड़ी लगा दूंगा मैं, और अभी वहां पे जाएंगे और आप लोगों को पूरी अपडेट और पूरी हम वहां पे मंदिर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं सारा आप लोगों को कैप्चर करके हम दिखाएंगे। तो पूरे व्लॉग को जरूर देखना लास्ट तक। बाबा मोहन राम मंदिर काली खोली में आपका स्वागत है और हम अब पहुंच गए हैं यहाँ पे, अंदर जा रहे हैं। यस, बता क्या कहते हैं? अब तो यहाँ काफी डेवलप हो गया, पहले ये सारा रोड बिल्कुल रेत ही रेत था, यहाँ पे कच्चा था, यहाँ पे रेत था, तो काफी चीज यहाँ पे बहुत डेवलप्ड हुई है और बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत मान्यता है इसकी हमारे स्पेशली हमारे गुर्जर समाज में। कृष्ण भगवान का अवतार कहे जाते हैं बाबा मोहन राम। तो हम तो भाई बचपन से आते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आकर और बहुत बड़ा सुकून सा मिलता है। पहाड़ भी देखो आप, हिल ऐसा लगेगा जैसे आप हिल स्टेशन पे आप लोग आ गए हो, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, प्रसाद है, बाकी ये नाइस। तो काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, मैं तो शायद एक दो साल बाद आ रहा हूँ, मैं तो लास्ट दो साल पहले आया था। ये देखो गौशाला यहाँ पे, कितने का है जी इसमें अंदर? 800 आपका अरुण। तो ये गौशाला है जो कि यहाँ पे 800 गौशाला है, इस इनकी सेवा करते हैं, तो बहुत है। आ जाओ एक बार, आ जाओ, अभी दिखाते हैं हम आपको गौशाला पूरी तरीके से। ना 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 कोई चाय, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर गौशाला के अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये पंडित जी हमारे साथ में आए हैं, तो काफ़ी एक अलग ही यहाँ पर। तो पंडित जी कब से है ये गौशाला यहाँ पे? सर ये 2005 से बनी। अच्छा, नींव इसकी 2005 से रखी, लेकिन इन चार सालों में डेवलप हो पाई। अच्छा, पहले कोई संचालक थे उनसे डेवलप नहीं हो पाई, चला नहीं पाए। अच्छा अच्छा, उसके बाद में ये हो रहा हम प्रधान है भिवाड़ी का, भिवाड़ी हो रहा हम प्रधान। हाँ, BGFC है उसका मालिक है। अच्छा, तो उसको इंचार्ज बनाया गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद में करीबन ये 7 गायें बताते हैं पहले। अच्छा, इन चार सालों में आज 800 गायें हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। साहब हम तो नौकरी कर रहे हैं। नहीं, ये भी बहुत संचा लगी यही है इसकी देख रेख में। वाह नाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी गौशाला भी है काम करने वाली, और पीछे मंदिर है बाबा बाबा मोहन राम का। जी ये साफ सफाई का काम चल रहा है। अच्छा, ये साफ सफाई का चल रहा है। वो लोग ट्रैक्टर से नाइस, तो सामने बाबा का मंदिर भी है, पीछे तो कम से कम 800 यहाँ पर गऊ हैं और इनका यहाँ पे देख रेख करते हैं काफी। अच्छा, ये टूडे का है, तो आप देख सकते हो जैसे, ठीक है। मंदिर के अंदर जा रहे हैं, प्रसाद हमने ले लिया है, मैं और रविंदर साथ में हैं, तो बाबा मोहन राम के यहाँ मंदिर पे हैं हम, तो पूरी चीज़ आपको बताएंगे और डिटेल में हमारा रविंदर बताएगा। क्यों रविंदर?
बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारा चेंज हो गया अरुण अब तो। हाँ पहले यहाँ सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ कुछ नहीं थी, बिल्कुल लोग ऐसे पत्थरों से चढ़ते थे। अब जब मैं छोटा, मैं बता दूँ जब मैं छोटा सा था यहाँ पे इतने पत्थर थे, पैर में भी गड़ते थे, पर ये श्रद्धा है तब कुछ पता नहीं चलता था सब कुछ। हमारे तुम्हारे परिवार तो इधर पीढ़ी यहाँ आते रहते हैं, तो काफ़ी बार हम यहाँ पर आए हैं और आ जाएँ, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आना। और ये देखो तो अभी हम अंदर आ रहे हैं, ये एंट्रेंस स्टार्ट होता है ऐसे मंदिर का, मंदिर का एंट्रेंस में हम अंदर घुस चुके हैं और चल रहे हैं। पहले यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बहुत चेंज हो गया है, पाइप लगा के पूरी सुविधा कर दी है राजस्थान गवर्नमेंट ने, क्योंकि मंदिर गवर्नमेंट के अंदर चला गया है। अच्छा हाँ, पहले मिलकपुर वालों को के अंदर था, गवर्नमेंट ने अपना अधीन कर दिया मंदिर को। अरे वाह बहुत बढ़िया, तो काफी जब गवर्नमेंट ही अच्छा डेवलप कराती है ये तो है। चलो अब बाकी हम दिखाते हैं अभी अंदर का बाबा मोहन राम मंदिर। दर्शन करके आ गए हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम परिक्रमा मारेंगे नहीं अभी, क्योंकि हमसे लगेगी यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, जो कि पूरे पहाड़ से होते हुए घूम के पूरा आप दिखा सकते हो, ऐसे दिखेगी नहीं फिर भी जा रहे हैं यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, पूरे पहाड़ की परिक्रमा लगाई जाती है यार, और ऐसे घूम के फिर नीचे से है रास्ता। और मैं आपको बता दूं ऊपर ना घोड़े के खुर हैं, देखा था ना, तो घोड़े के खुर भी हैं जो ओरिजिनल इनके बाबा मोहन राम के घोड़े के खुर आज भी हैं, जो हम अंदर हाथ डाल के पैसे निकालते हैं, वीडियो देखे के और हाथ निकालते हैं कीचड़, वो भी उनका वो है पूरा तालाब टाइप का, तो काफी चीजें हैं ऊपर। तो अब बने रहिएगा व्लॉग पर और दिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या चीज हम आपको दिखा सकते हैं। थैंक यू। ऊपर तालाब भी है ना, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, आओ थोड़ा सा ऊपर। ये आप देख रहे हैं जो पत्थर देख रहे हो, पूरा पूरा जो परिक्रमा है ऐसे पत्थर, नुकीले पत्थर है यहाँ पर, तो लगाते हैं यहाँ पर लोग, बोर्ड भी लगा हुआ है घोड़े की, तो श्रद्धालु आके यहाँ पे परिक्रमा भी लगाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी मान्यता मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हो, आप सोच रहे होगे क्या है ये यहाँ पे अपना घर बना के जाते हैं, तो यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं कि उनका घर बने, तो यहाँ पे घर जितना ऊंचा बनाते हैं तो उतने ऊंचे, एक मतलब एक धारणाएं हैं, एक विश्वास है लोगों के अंदर, और होता भी है, तो ये बनाते हैं यहाँ पर, तो काफी मतलब अच्छा है। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप दिल्ली NCR में आप हो यहाँ पर आसपास, या राजस्थान में बहुत दूर दूर के लोग भी आते हैं वैसे यहाँ पर, बट आप अगर हो कहीं दूर से दिल्ली NCR में आसपास हो, तो बाबा मोहन राम के मंदिर पे आओ और यहाँ पर आकर देखो, बहुत मतलब नेचुरल एक चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक सबसे मेन चीज है मन की शांति, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम पीसफुल है, और कोई कुछ मतलब ज्यादा यहाँ पर शोर शराबा कुछ नहीं है, एकदम देख सकते हो आप पूरा लोग घर बनाए हुए हैं अपना पत्थरों से, तो यहाँ उनकी श्रद्धा है अपनी अपनी, यहाँ बाबा को बहुत मान्यता है यहाँ पर, तो हम तो खैर बचपन से ही आते हैं यहाँ पे,
फ्लो। आप देख सकते हो आगे बॉर्डर भी लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाया। देखो यहाँ लोगों ने घर बना रखे हैं, श्रद्धा है लोगों की अपनी अपनी कि जितना ऊंचा जो बना सकते हैं। आप एक बार कैमरा घुमाओ उस तरफ, कैमरा दिखाओ, आप घुमाओ जरा उस तरफ, कैमरा घुमाओ। तो देख रहे हो आप पूरा मतलब परिक्रमा ऐसी है, पहाड़ों नुकीले पहाड़ है यहाँ पर, और नंगे पैर यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं श्रद्धालु। हाँ हमने भी बहुत बार परिक्रमा लगाई है नंगे पैर ही, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो सच्चे मन से यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं उसके पैर में बिल्कुल भी यहाँ पर पत्थर नहीं चुभते और कोई घाव नहीं होता। मैंने भी बहुत बार लगाया, आज तक तो हुआ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, तो देखने में लग रहा है यहाँ पर कितने नुकीले हैं। तो ये अभी प्रथम हरि मंदिर गए गाड़ी फॉल पड़े पकड़ा दी मैंने। कुछ भी मिलता है यहाँ पे बिल्कुल, ये सारे रास्ते कच्चे ये बाबा मोहन नाम का ढूंढा है। यहाँ पे लोग अपने अपने घरों से ले लाते हैं, यहाँ लगाते हैं धूने में, अपनी श्रद्धाएं मांगते हैं, तो बहुत यहाँ से भभूति लेके जाते हैं अपने घर, उसको लगाते हैं अपने शरीर पे, तो लोगों की आस्था है कि उनके रोग दूर होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो भभूत ले जा रहे हैं घर पे, तो ले जाते हैं, मान्यता है, और मंदिर में जाकर रखते हैं। ओके, अपने मंदिर में रखते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो यहाँ पर आने की एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ की जो लोग बाग आते हैं सच्चे दिल से आते हैं, यहाँ की मान्यता ये है कि जो आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो वो बिल्कुल पूरी होती है। जो भी आप कुछ भी सच्चे दिल से आप यहाँ पे मांगते हो तो वो चीज़ें पूरी होती हैं। और गुर्जर समाज नहीं, हमारे सारे समाज बिल्कुल के लोग यहाँ आते हैं, ऐसा ही स्पेशली जुड़ी हुई है यहाँ से। ओ गर्मी आप देख सकते हो कैसे पैर कर रहे हैं यहाँ, कभी पहले कच्चा हुआ करता था, अब तो रोड वोड बना दिया है, बहुत गर्म है। पर मैं सह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये प्रसाद चढ़ा दिया, परिक्रमा लगाना जरूरी है, परिक्रमा लगानी जरूरी है यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ। जय बाबा की सेठानी। Thank you.
और समय की आवश्यकता है बाबा की गौ माता को बैठ गौदान बैठ करना गौदान अवश्य बैठ गूलर पे उधर भी चलना मिलकपुर सीधे निकल रहे अभी हम जाएंगे मिलकपुर मंदिर जा रहे हैं और वो भी आपको बताएंगे वो उसकी भी बहुत ज्यादा मान्यता है। अभी यहाँ के बाद जाएंगे हम गूलर पे वो बहुत पुराना वो मुझे नहीं पता वो ये लेके जा रहा है वहाँ पे बाबा जी का तालाब है बाबा मोहन राम का वहाँ बहुत सारी अरे वाह बिल्कुल बिल्कुल वहाँ भी जाएंगे वहाँ भी देखेंगे वो मुझे आइडिया नहीं है और मैं पहली बार जा रहा हूँ उसके साथ। अच्छा चलो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपका भाटी कैसा लगा आपको बाबा जी के दर्शन करके? भाई बढ़िया एकदम ऑलवेज बढ़िया इसमें पूछने की क्या जरूरत है। बट मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ जो अब तू बता रहा है ना गूलर का जो प्राचीन पेड़ है वहाँ पे चल रहा है प्राचीन पेड़ है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे मैं गया नहीं हूँ कभी भी तो आज मंदिर के टाइम से ही है। अच्छा तो उसकी भी मान्यता ज्यादा है बहुत ज्यादा है। चलो आज वहाँ पे जा रहे हैं सीधा और मैं पहली बार जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ पे आता आता बहुत टाइम हो गया कई बार आगे बट जो ये कह रहा है रविंदर बोल रहा है तो वहाँ तो आप बिल्कुल जा रहे हैं और मैं एकदम जो मंदिर पे प्रसाद चढ़ाते हैं ना ऊपर तो जरूर चढ़ाना जरूरी होता है। अच्छा अरे क्योंकि बाबा जी का गूलर है वो वहाँ पे मिट्टियाँ छाटती है मट्टी छाटते हैं तालाब है वहाँ पे। अच्छा तो क्या मान्यता मट्टी क्यों छाटते हैं उसकी? श्रद्धालु छाटते हैं मट्टी उससे अपने मन की शांति के लिए वहाँ जाते हैं। तो अभी आ गए हम यहाँ पर मंदिर पर रख लीजिए मेरा प्रसाद ले लिया। तो हम पहुंच गए हैं वहाँ गूलर पे यहाँ पे के पास तो ये अभी हम आ गए यहाँ पर तालाब में। पहले यहाँ पे एक कच्चा तालाब था तो अब यहाँ पे पक्का कर दिया गवर्नमेंट ने इसको पक्का कर दिया। पहले कच्चा था हमेशा पानी रहता था यहाँ तब से पक्का हुआ है यहाँ पे पानी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर बाबा आते थे विश्राम करते थे गूलर के पेड़ के नीचे। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये प्राचीन पेड़ है काफी पुराना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये तो नॉर्मल पेड़ है ये प्राचीन है ये प्राचीन पेड़ आप दिखा सकते हो क्लोजअप करके दिखा दो आप एक बार। ये है वो अपना गूलर का पेड़ प्राचीन एकदम यहाँ पर बाबा मोहन राम जी आते थे और पुराना रास्ता है मिलकपुर से फौजी आते हैं सीधा ये पुराना रास्ता है सामने हम मिलकपुर जाने वाले हैं तो ये ही पुराना रास्ता है जो मिलकपुर से लोग सीधा आते थे खोली प्रसाद चढ़ाने के लिए बाबा मोहन राम के दरबार पे। तो अब हम मिलकपुर चलते हैं आइए दिखाते हैं आपको मिलकपुर के मंदिर कैसे कैसे हैं काफ़ी अच्छे हैं आइए देखते हैं। भैया मैंने ये भैया पता लग
आती तो फिर ले लियो 10 रुपया। अब तो बालक भी ना ले में 10 है भैया, बालक बिल्कुल सही बात है। चलो छोड़ के ला मेरी वाली ये आगे भी लोग मार दी। अब हम आ गए हैं मिलकपुर धाम, जो मंदिर है मिलकपुर में गांव में बाबा मोहन नाम का। तो यहाँ पे देखो कितनी धर्मशालाएं बनी हुई हैं चारों तरफ है ना। ये चढ़ा दो प्रसाद चढ़ा लेते हैं। जलहरी है, जलहरी घर में, जलहरी घर में फेंकते हैं तो शुद्ध होती है घर, तो ये मान्यता है। लोग दोनों की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं। काफी प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, क्या है बच्चों को मंदिर अच्छा। तो यहाँ भी जैसे हाँ लटूरी उतरती है, तो लटूरी उतरती है यहाँ पे भी लोग कभी भी, अब छोटे बच्चों की लटूरी यहीं पर। बताएंगे ये बाबा शिरोमणि नेत्राम जी महाराज की वो है बाबा जी, ये गद्दी के मालिक हैं। तो ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों तक इनको वरदान मिला हुआ है कि बाबा जी इनके 7 पीढ़ी तक इनके घर में वास करेंगे। तो अभी भी इनकी चल रही है ये भी लास्ट, अभी लास्ट पीढ़ी चल रही है इनकी जो देख रहे हैं, जो मंदिर मतलब गद्दी के मालिक ही है। यहाँ पे 12 के 12 महीने भंडारा चलता रहता है बाबा जी के दरबार में। कभी भी आओ, भंडारा यहाँ पे चालू रहता है।